श्री सकल मालवीय बलाई समाज सामूहिक विवाह समिति के तत्वावधान में समाज का 29वां सामूहिक विवाह सम्मेलन स्थानीय बालाजी मंदिर परिसर बदीपुरा में आयोजित किया गया, जिसमें 12 जोड़ों ने यज्ञ वेदी के साथ फेरे लेकर एक दूजे को अपना जीवन साथी चुना। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक प्रतिनिधि शामिल हुए, तो वहीं सांसद शंकर लालवानी ने फोन के माध्यम से नव युगलों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सांसद ने लगातार 29 सालों से समाज का सम्मेलन आयोजित करने पर समिति को बधाई भी दी। समिति कोषाध्यक्ष ने बताया कि समाज में फिजूल खर्ची रोकने एवं समाज को आर्थिक संपन्न बनाने के लिए समिति विगत 29 वर्षों से सामूहिक विवाह का आयोजन करती आ रही है। पंडित नंदकिशोर पंचोली ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नव युगलों का विवाह संपन्न कराया। सांसद शंकर लालवानी ने तीन तीन चांदी की बिछिया एक एक जोड़ एवं विधायक विशाल पटेल द्वारा एक एक दीवार घड़ी वधुओं को कन्यादान स्वरूप भेंट की गई। समिति की ओर से अलमारी, पलंग, 26 बर्तन, 4 रकम सोने के कांटे सहित गृहस्थी का सामान भेंट किया गया। कार्यक्रम में समाज के कई गणमान्य व वरिष्ठ जन मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। माध्यम से समाज में एक अच्छा संदेश जाता है, में प्रेरणा आती है, समाज में समरसता बढ़ती है। तो माननीय सांसद महोदय जी की कुछ आवश्यक ऐसे पहले से अपॉइंटमेंट थी, इस कारण से उन्हें वहाँ जाना पड़ा, अन्यथा वे यहाँ आने को काफ़ी लालायित थे। शीघ्र ही जब भी इस क्षेत्र में आएंगे तो आपकी समिति के सदस्यों से मिलेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। तो मैं माननीय सांसद महोदय और पूर्व विधायक श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल जी की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, मैं उन लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि वे अपने समाज और राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग, अपना योगदान दें और इस राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए और समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए अपनी ओर से प्रयास करें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। आज मालवीय बलाई विकास समिति बेटमा बदीपुरा बालाजी मंदिर पर मालवीय बलाई समाज का 29वां सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। इसमें 12 नवयुवकों ने अपना नया जीवन साथी को चुना। सभी समाज के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ और आने वाले वर्ष में हम विगत 28 सालों से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं और आने वाले समय में 30वां सामूहिक विवाह सम्मेलन अक्षय तृतीय 2023 को भी हमने पुनः रखा गया है। हम सब समाज के लोग मिलकर इस खर्चीले युग में समाज में व्यर्थ खर्च को बचाकर समाज की उन्नति के ओर, फिजूल खर्च बचाकर समाज की उन्नति को और उनको आगे बढ़ा रहे हैं। ये सब हमारा समाज के प्रति यही आग्रह और मेहनत सर्वश्रेष्ठ है और समाज हमेशा आगे से बढ़ता रहे। आज हमने 12 नवयुगल चोरों का नया दापत जीवन में शुरुआत करवाई। समिति की ओर से उन्हें 25 बर्तन, गादी, रजाई, 4 रकम आदि समाज की ओर से, समिति की ओर से उन्हें प्रदान की गई है। समाज को हम उज्जवल भविष्य की ओर ले जाना चाह रहे हैं, इसलिए विगत हम 29 सालों से कार्यक्रम करते आ रहे हैं। आपका नाम और समिति में पद? मेरा नाम तेजराम पंवार है, समिति कोषाध्यक्ष हूँ। मेरे बगल में जितेंद्र जी सोलंकी रंगवासा, ये उपाध्यक्ष है। मेरे बगल में रामेश्वर जी सोलंकी है, ये तहसील उपाध्यक्ष है। मेरे साइड में रामचंद्र जी ललेड़ी वाले जो उपस्थित है वो भी समिति के सदस्य है। साथ में भैरव सिंह जी सिसोदिया, वो भी सिलोटिया के, वो भी समिति सदस्य है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।